दो दिवसीय अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रामहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद दिगंबर अखाड़ा जाकर संत की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण में पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, शुरुआत से ही राम मंदिर आंदोलन को न्यायालय से लेकर सड़क तक लाने का कार्य परमहंस रामचंद्र दास ने गोरक्षा पीठ के साथ मिलकर किया। मूर्ति अनावरण के मौके पर उन्होंने कहा, रामहंस की ये स्थापित मूर्ति रामलला के राम जन्मभूमि में विराजमान तक के संतों के संकल्प व संघर्ष की याद दिलाती रहेगी। उन्होंने कहा, भगवान राम के जीवन काल में निषाद राज का बहुत बड़ा महत्व है। वनवास जाते समय अगर किसी ने सबसे पहले भगवान का साथ देने का कार्य किया था वो निषाद समाज थे। साथ ही उन्होंने कहा भगवान राम के सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत को देखते हुए माता सबरी के नाम पर भंडारे के द्वारा श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलाल का साथ विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था, महाराज जी कोई इच्छा, तो एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण के बाद ही पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सबका कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, स्वच्छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। यात्रियों के लिए रेल बसेरा बनेंगे, प्रभु राम के वनवास के समय का सबसे पहले साथी कोई बने थे, निषाद राज बने थे, तो निषाद राज के नाम पर अयोध्या के रेन बसेरा बसेंगे, यात्री विश्रामालय बनेंगे। आज वो काम यहां पे हो रहा है। प्रभु राम की गाथा को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम किया था त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। तो अयोध्या का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला एयरपोर्ट कहीं बना है, पर वो राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में बना है। हम लोगों को इसको भी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। यहां पर यात्रियों के लिए जो भंडारा लगे, उस भंडारे में बनने वाला जो सुस्वादु व्यंजन थे, उस रसोई का नाम था माता सबरी रसोई। माता सबरी ने प्रभु राम को बेर खिलाए थे, चुन चुन करके बेर खिलाए थे। वो बिल्ली थी लेकिन प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा था। बहनों और भाइयों, आज हमें भी तो प्रभु राम के, अगर हम भक्त हैं, उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए,
उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हमें भी इस पथ का अनुसरण करना होगा, अन्यथा हम बोले कुछ और करें कुछ, कभी हमें उसका पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें उसके अनुरूप बनना पड़ेगा, शिव की भक्ति के लिए शिव के अनुरूप बनना पड़ेगा। शिवो भूत्वा स्वयं अजेय,